हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को मेरा प्यार नमस्कार। एंड मैं फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्टबुक पर। सो जल्दी सही फटाफट से उसको ज्वाइन करिए, बताइए मुझे इस द ऑडियो वीडियो इसके लिए और नॉट, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है? बताइए एक बार मुझे। जो ऑडियो इज क्लियर जल्दी बताइए बेटा। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों का। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। हमारी क्लास जो शुरू होती है सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है, राइट? तो आप लोग आ जाएंगे सुबह 7 बजे क्लास में मॉर्निंग में, राइट? इसके अलावा बात करेंगे हम लोग सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है एपीएसआर टेक्स्टबुक। चलो एपीएस स्पेस सर स्पेस टेक्स्टबुक के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और याद रखिए एक सेल चल रही है हमारी सफलता सेल, जिसमें कि आपको यूपी पुलिस की जो सुपर कोचिंग आपको मिल रही है सिर्फ 504 रुपीज़ में, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, राइट? तो जहाँ पर आपको 55% एंड 30% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर, राइट? तो उसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। और यहाँ पर आप कोड लगा सकते हैं मेरा, इसका नाम है APS। इस कोड पर आपको सारा ये ऑफ जो है वो मिल जाएगा, राइट? क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग तनु, गुड मॉर्निंग बुशरा फातिमा, इतने दिनों के बाद बुशरा फातिमा, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग अंकिता, गुड मॉर्निंग चिराग, गुड मॉर्निंग काजल, सभी गुड मॉर्निंग। कुछ लोग बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग इतने दिन कहाँ गायब थे भाई? क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से। आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे बढ़ते हम लोग पहले करेंगे थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि हम लोगों का जो पैटर्न है ना करंट अफेयर्स का वो यही है। पहले हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को देखेंगे, राइट? उसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे डेली न्यूज़ में रहेंगे चीज़ें उनको देखेंगे, राइट? सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग कुछ रिविजन की तरफ, राइट? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ये पहले क्वेश्चन पहले मैंने सवाल आप लोगों से पूछा था। हाँ आप लोग रोज आते हैं, जो लोग रोज आते हैं उनका स्वागत है। बताओ बेटा, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं कौन? अयान फजल खान। वेरी गुड आंसर हो जाएगा यहाँ से, अयान फजल खान हो जाएंगे ये। अयान फजल खान हो जाएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखेंगे कि किस देश के लेखक शेहान करुणातालिका ने द सेवन मून्स ऑफ द माली अल्मेडा उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है यहाँ पर, जरा बताएं। तो विच कंट्रीज ऑथर शेहान करुणातालिका इज वन द 2022 बुकर प्राइज फॉर द नोवल द सेवन मून्स ऑफ द माली अल्मेडा। श्रीलंका किस देश को बिलोंग करते हैं ये? श्रीलंका को। हाँ जी श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका, राइट? मैं पहले आपको करा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो श्रीलंका इज द राइट आंसर। क्लियर?
के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्त, देखेंगे यहाँ पर कि भारत की मेजबानी में किस भारतीय शहर में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई है। इन विच इंडियन सिटी द 90th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरपोल हैज बीन हेल्ड होस्टेड बाई द इंडिया। हैदराबाद, न्यू दिल्ली, रांची और द मुंबई। न्यू दिल्ली, वेरी गुड आंसर होगा, यहाँ से न्यू दिल्ली हो जाएगा, राइट। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन की घोषणा के अनुसार भारत मछली उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड द डेयरिंग डॉक्टर एल मुर्गन, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द फिश प्रोडक्शन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा, इंडिया रैंक कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। टॉप पर कौन है जरा बताइए, फर्स्ट पर कौन है। अगर इंडिया कितने पर, इंडिया अगर तीसरे पर है तो टॉप पर कौन है। गुड मॉर्निंग विनल जी, गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली पहले पर जाएगा चाइना, चाइना फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे, इंडोनेशिया और थर्ड पे कौन है बेटा, इंडिया, राइट। तीसरे व्यापारी क्या हो जाएगी, इंडिया हो जाएगी, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन देश करेगा। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन द ईयर 2023। चाइना, सिंगापुर, कतर, इंडोनेशिया। वेरी गुड आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कतर इज द राइट आंसर हो जाएगा, कतर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, हमें आज अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देखेंगे यहां पर कि किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट हैज बीन अनाउंस टू कन्फर द प्रेस्टिजियस अणुव्रत अवार्ड फॉर 2022। प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, ए पी जे अब्दुल कलाम। तो आप हो जाएंगे कलाम साहब हो जाएंगे, इनको अभी अवार्ड दिया जाएगा अणुव्रत अवार्ड, राइट। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसके द्वारा एक देश एक उर्वरक योजना शुरुआत किया गया है। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो हो जाएंगे बेटा हमारे जो कृषि मंत्री हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, वो नहीं, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। कई बार गलती लोग ये करते हैं कि भाई खेती से रिलेटेड है तो दिमाग लगा देते हैं इसमें एक्स्ट्रा, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने लगाया हुआ है कि जब कृषि से रिलेटेड हो जाएगा, उर्वरक से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि इसके जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर वो हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दिमाग कभी कभी थोड़ा कम लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। पीएम मोदी आजकल सब उद्घाटन कर रहे हैं, पीएम मोदी एंड अमित शाह। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, नरेंद्र मोदी, इसका आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक। गुड मॉर्निंग राम केवल यादव जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओआरएस के जनक के नाम से मशहूर जिस व्यक्ति का निधन हो गया, वो कौन थे जिनको ओआरएस का जनक कहा जाता है। तो वेंकट रमन राधाकृष्णन, या फिर नरेंद्र सिंह खपान्य, उडुपी रामचंद्र राव, या दिलीप महालनोबिस। तो उनका नाम हो जाएगा दिलीप महालनोबिस हो जाएंगे, इनका निधन हो गया हाल ही में अभी। और इसके साथ साथ में हाल ही में कहाँ पर तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव शुरू किया गया है। तो वेयर इज द थर्ड वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्योत्सव हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ के बता दीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग मुस्कान सिंह, गुड मॉर्निंग, मैं बढ़िया हूँ एकदम से बेटा, आप कैसे हो। तो आंसर होगा इसका विजयवाड़ा, वेरी गुड, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देश की प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो विच कंट्रीज फेमस हिस्टोरियन प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ हैज बिन गिवन द सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022। बांग्लादेश, अमेरिका, वियतनाम और द डेनमार्क। यूएसए, वेरी गुड आंसर हो जाएगा यहाँ से बेटा।
यूएसए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ अपने आप भी क्वेश्चन की तरफ, जो आज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड द विच कंट्री हैव कंडक्टेड द टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज? बताइए, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? टाइगर ट्रम्प, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, इंडिया, जापान, इंडिया, वियतनाम, इंडिया। तो टाइगर ट्रम्प हैज बीन द इंडिया एंड द अमेरिका एंड इंडिया एंड द यूएसए, टाइगर ट्रम्प। सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकती है अमेरिका। अब इसके अलावा देखो, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि अभी हाल ही में एक बजट प्रहार नाम की एक्सरसाइज हुई थी, बजट प्रहार, तो बजट प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, किस जगह पे हुआ है? भारत अमेरिका के बीच में, हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा एक और मिलिट्री एक्सरसाइज अलनजा, अलनजा याद रखिएगा। तो अलनजा एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि कहाँ पर हुई है? ओमान में हुई है। इसके अलावा भारत और किस देश के बीच में एक्स बिनबैक्स 2022, तो एक्स बिनबैक्स 2022 भारत और किसके बीच में? वियतनाम के बीच में हुआ है। इसके साथ साथ में आप देखिएगा कि हमारे नौसेना के जो स्टील फ्रिगेट INS तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो क्या हो जाएगा वो, वहाँ पर सूडान हो जाएगा। तो ऐसे कुछ जुड़े हुए सवाल, आर्मी से जुड़े हुए सवाल आप लोगों से पूछ दिए जाते हैं। गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, हु हैज बिकम द मोस्ट जनरस फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द कंट्री? गौतम अदाणी, मुकेश अंबानी, शिव नादर या सारस पूनावाला? बताइए, कौन सा? शिव नादर, राइट। शिव नादर इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, अगला क्वेश्चन देखेंगे आता है। किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली है? तो अभी हाल ही में एक बैंक है जिसने केरल में एक कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली, हो जाएगी कौन सी बेटा? HDFC बैंक हो जाएगा, ठीक है। इसने अभी हाल ही में क्या खोली है? पहली आपकी महिला शाखा खोली है, राइट। इसके अलावा योजना आयोग के पूर्व सदस्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक व्यक्ति है, उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या हो जाएगा? तो योजना आयोग, जिसको बोलेंगे प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन के हमारे जो प्रमुख विशेषज्ञ रहे हैं उनमें से एक हमारे जो है अभिजीत सेन, इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, राइट, अभिजीत सेन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार कौन सी भारतीय व्यवसायी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो जाएंगे वो गौतम अदाणी। वो गौतम अदानी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स 2022, क्लियर, आगे बढ़ेंगे। चलो अगर हम चाहते हैं, भारतीय डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में कौन से स्थान पर रहा है? इंडिया कौन से स्थान पर है अगर बात करें हम डिजिटल करेंसी की, या डिजिटल करेंसी ओनरशिप की बात करें? तो डिजिटल करेंसी ओनरशिप में इंडिया कौन से नंबर पर, जरा बताएं। तो जाएगा बेटा, कौन से नंबर पर है वो? सातवें नंबर पर है, सेवन पर है डिजिटल करेंसी के मामले में, ठीक। तो कुछ सवाल जुड़े हुए थे, मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि किस बैंक ने DX 2022 सी सेकंड का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो विच बैंक हैज वन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फॉर द DX 2022 CII? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और द कर्नाटक बैंक, बताएं। कर्नाटक बैंक, वेरी गुड आंसर हो जाएगा यहाँ से बेटा, कौन सा? कर्नाटक बैंक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक बैंक इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। किस बैंक द्वारा गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स वैन का अनावरण किया गया है? तो बैंक ऑन व्हील्स जो है वो आपका कौन से बैंक ने किया गुजरात में? बैंक ऑन व्हील्स बताएं, बैंक ऑन व्हील्स इन द गुजरात बाय दी HDFC बैंक।
एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा किस बैंक ने यू आई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो यू आई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जिस बैंक ने जीता है, उस बैंक का नाम क्या हो जाएगा? अंकिता, तनु, पुनीत, पाखी, प्रशांत, अंजलि, आशीष पटेल, बुशरा फातिमा, प्रशांत, चिराग, बताएं जल्दी से। तो जाकर बेटा वो साउथ इंडियन बैंक हो जाएगा, राइट। तो जाकर साउथ इंडियन बैंक हो जाएगा। इसके अलावा जो बैंक से जुड़ा हुआ सवाल और बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि अभी हाल ही में छात्रों के लिए कैंपस पावर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कैंपस पावर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये कैंपस पावर किसने किया लॉन्च? तो जाकर बेटा आईसीआईसीआई हो जाएगा ये, राइट। इसके अलावा किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत की है? कि भाई हाउस वर्क भी क्या है, एक वर्क माना जाएगा। और ये इनिशिएटिव शुरू करने वाला कौन सा बैंक हो गया है? वो हो गया एक्सिस बैंक, राइट। कौन सा हो गया बेटा? एक्सिस बैंक हो गया। एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आज आता है कि हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बिन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उदाहरण किसने किया है? तो वो कंट्री हो जाएगी हमारी कौन सी? मुंबई, ठीक है, माजा मुंबई। तो मुंबई हो जाएगा, मुंबई, मुंबई का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके। आगे बढ़ेंगे। पुनीत, पुनीत भी आ चुके हैं, पुनीत सिंह राजपूत, स्वागत है आपका पुनीत जी। अगला, अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ से बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हो जाएंगे उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, इनोग्रेटेड द नेशनल कॉन्वेंशन ऑन द बाजरा। तो बाजरा पे नेशनल कॉन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं, और वो है हमारा कौन? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली हो जाएगा इसका जवाब। वेरी गुड। अब इसके अलावा देखेंगे, पीएम मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? तो डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने कहाँ पर, किस जगह पर? तो जाएगा वो गांधीनगर। किस जगह पर? गांधीनगर में किया है। तो गांधीनगर इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा किस राज्य में पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है? तो घास संरक्षण क्षेत्र यानी कि ग्रास कंजर्वेशन एरिया। तो ग्रास कंजर्वेशन एरिया जो है हमारा, ये कहाँ पर हो जाएगा बेटा? ये उत्तराखंड हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी कि यूके इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो बिज यूनियन मिनिस्टर हैज इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट। तो जाएंगे बेटा कौन? पुरुषोत्तम रूपाला। कौन हो जाएंगे? पुरुषोत्तम रूपाला जी हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां से क्वेश्चन और आता है, किस राज्य में विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? इन विच स्टेट द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड द केरला। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड द केरला, बताएं। महाराष्ट्र। चलिए भाई आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा? आंसर होगा यहाँ से महाराष्ट्र इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण ऐसे आयोजित किया जाएगा, वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। मुंबई, द सिटी ऑफ द ड्रीम्स वेलकम्स यू टू द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। तो वो सिटी ऑफ ड्रीम्स क्यों कहते हैं इसको? सिटी ऑफ ड्रीम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक चीज नोटिस करने वाली है, मुंबई सिटी जो है थोड़ी सी फास्ट है हर मामले में, ठीक है। ट्रैफिक भी फास्ट है, लोग भी फास्ट है, और चीज़ें बहुत सारी फास्ट हैं वहाँ पर, तो इस वजह से और अर्निंग जो है वो ज़्यादा है, अर्निंग ज़्यादा, अर्निंग जैसे कि काम के अवसर जो है लोगों के पास ज़्यादा है। दैट्स वाई मुंबई इज कॉल्ड द सिटी ऑफ द ड्रीम्स, राइट। हाँ, खाना अच्छा नहीं है वो अलग बात है, ठीक
ठीक है, खाना अच्छा नहीं है, एंड खाना अच्छा इन द सेंस कि देखो खाने का खाना सब अच्छा हो बुरा कुछ नहीं होता, सब अच्छा होता है सब बुरा होता है, डेट डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है, राइट, पहली चीज़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो वहाँ के लोग, वहाँ के बिल्डिंग्स घर वगैरह लोग देख के उसको सपनों का शहर मान लेते हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल वगैरह सब अलग है, राइट। चलिए फिर ज़्यादा बातें होंगी मुंबई के बारे में। किस शहर में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है? इन विच सिटी द 30th सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हैज बिन ऑर्गेनाइज्ड? तिरुवनंतपुरम, राइट, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा इसका जवाब, पहला। सेकंड आता है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की सम्मेलन की मेजबानी की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज होस्टेड द स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस? तो कौन सा जाएगा बेटा? गुजरात हो जाएगा, राइट, गुजरात हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंडियन मिनरल्स एंड द मेटल इंडस्ट्री हेल्ड? तो जाएगा बेटा कौन सा? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। और अभी अगर पूछा जाए आप लोगों से कि पीएम मोदी ने किस शहर से बॉस इंडिया के स्मार्ट पर्सन का उद्घाटन किया है, तो स्मार्ट कैंपस ऑफ द बॉस इंडिया बाई द पीएम मोदी इज इन द बेंगलुरु, राइट, कहाँ पर? बेंगलुरु, तो बेंगलुरु किया गया है, तो न्यू दिल्ली नहीं होगा बेटा, बेंगलोर होगा। तो बेंगलोर आंसर दिया यहाँ पर पाखी एंड अंकिता एंड मीनल काजल बुशरा चिराग तनु। बढ़िया, गुड मॉर्निंग सीता महालक्ष्मी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड पुनीत। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएम AYU योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है? कि मतलब कौन सी स्टेट है जिसने हमारा जो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है यानी कि अर्बन है उसके तहत सबसे उत्कृष्ट काम किया है? यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान या MP? यहाँ पे कौन सी स्टेट हो जाएगी जिसने सबसे अच्छा काम किया है किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में, तो वो अवार्ड मिला किसको बेटा? वो है हमारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, यूपी हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है पर फिर भी अगर बोल रहे तो ठीक है, होगा कुछ ना कुछ, आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर अवार्डों की बात करें तो अभी हाल ही में स्वाति जो पीरामल है, स्वाति पीरामल जी को भी क्या दिया गया? अभी हाल ही में एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, तो स्वाति पीरामल को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया किसकी तरफ से? फ्रांस की तरफ से, राइट, फ्रांस की तरफ से। इसके अलावा यूके संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो आयुर्वेद रत्न अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट गिवन टू द तनुजा नेसारी। ये क्या हो जाएंगे? तनुजा नेसारी हो जाएंगे। इसके अलावा मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, राइट, तो मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो पोषक यानी कि न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड, न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड 2022 किसको दिया गया बेटा? ये छत्तीसगढ़ को दिया गया। किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ को दिया गया, राइट, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर दोस्त, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आता है कि किस देश की रहने वाली पहली महिला रिपोर्टर फहमिदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो पुलित्जर प्राइज 2022 जीतने वाली जो महिला हो जाएंगी उनका नाम हो जाएगा फहमिदा अजीम, राइट, तो फहमिदा अजीम हो जाएंगी। और ये किस देश को बिलोंग करती हैं? वो जाएगा हमारा बांग्लादेश। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो विच स्टेट हैज गिवन द आयुष्मान आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 रिसेंटली? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो यूपी को दिया गया। किसको दिया गया? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को दिया गया। यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते। अगला सवाल आता है, किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज इज बींग कंस्ट्रक्टेड? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और द असम। बजे वाली क्लास की नीड है, एग्जाम पास में आ रहे हैं, मीनल जी बोल रही हैं। वो यार अभी
यूट्यूब वालों ने बंद कराई हुई है, शायद घर से अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी, और वहाँ जाऊँगा तो वहाँ से अलाउ करेंगे, मतलब बोर्ड चाहिए उसके लिए। बाकी आप लोग जो भी अगर रिक्वायरमेंट है आपको, तो इस वीडियो के लास्ट में ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, तो वो टीम जो है वो देखती है, अगर देखेगी, अगर नीड होगी आप लोगों की तो वो जरूर लग जाएगी, राइट। तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिएगा, उसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड द असम। तो यहाँ देखिए, वर्टिकल जो लिफ्ट सीवरेज बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है कहाँ पर? तमिलनाडु में। आप देख सकते हो आपका ये होता है वर्टिकल लिफ्ट सीवरेज, ये वर्टिकल लिफ्ट, जैसे देखा ना, धूप, एक मूवी आई थी धूम, तो धूम में वो सीवरेज था, ऐसे करके वो उड़ जाता है, ऐसे करके, तो वो आमिर खान गाड़ी कुदा देता है उसके ऊपर, तो ऐसी वर्टिकल लिफ्ट सीवरेज उसको ही बोलते हैं, ऐसे करके ना ये वहां से खुल जाएगा, ऐसे ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, टीएन हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ेंगे। अब ये तो चलो मान लो बात होगी किसी, आपके तमिलनाडु की बात हो गई और वर्टिकल सीवरेज की बात हो गई, अब राज्यों की बात कर लेते हैं और कुछ कुछ चीज़ें वहाँ बन रही हैं उनकी बात कर लेते हैं, राइट। जैसे कि एक स्टेट है जिसने भी हाल ही में सेमी कंडक्टर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, तो सेमी कंडक्टर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सेमी कंडक्टर पॉलिसी, तो सेमी कंडक्टर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है, वो बन गया कौन बेटा? गुजरात। कौन बन गया है? गुजरात बन गया। गुजरात क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन विच स्टेट? तो जाएगा बेटा कौन सा? गुजरात हो जाएगा, राइट। तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात में। इसके अलावा किस शहर में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है? इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक हैज बीन स्टार्टेड? तो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ बनाया है बेटा? बेंगलुरु में, राइट। तो क्या हो जाएगा ये? बेंगलुरु हो जाएगा, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक इज इन द बेंगलुरु, ठीक। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया है? तो देश में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया, वो क्या हो जाएगा? हमारा हैदराबाद हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कौन सा? हैदराबाद। इसके अलावा ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा किस शहर के चाकन में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया गया है? तो ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो लोग बनाया जा रहा है, वो किस जगह पर हो जाएगा बेटा? वो पुणे हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? पुणे। तो कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं राज्यों से रिलेटेड, जगहों से रिलेटेड, वो याद कर लीजिएगा, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो जितने भी न्यूज़ें बनती हैं आपकी, अगर कोई न्यूज़ आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो, आपको नोट्स भी ऐसे ही बनाने हैं, जो आप रजिस्टर बनाओ घंटे बस का, वो भी ऐसे ही बनाना है, जो तैयार करना है घंटे बस, वो भी ऐसे ही करना है, ताकि जब रिवाइज करने बैठो तो रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगे, और चीज़ों को जब सिस्टमेट ढंग से लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो याद करने में, रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। हौच पौच करोगे तो दिमाग ना पजल्ड हो जाएगा, तो एक जगह रखा करो सारी चीज़ें एक जैसी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय कौन बन गए हैं? वो हैज बिकम द फर्स्ट एशियन एंड द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल एनवॉय टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल? के पी अश्विनी, ऋषि गुप्ता, अनुव्रत विश्वास या मुकेश कुमार जैन? आंसर क्या होगा यहाँ से? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय जो बन गए हैं, वो हो जाएंगे कौन? उनका नाम हो जाएगा यहाँ पर के पी अश्विनी। के पी अश्विनी इज द राइट आंसर, के पी अश्विनी, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, के पी अश्विनी, बढ़िया। विजय विजय कुमार, गरिमा दुबे, अंजलि, पुनीत, पाखी, प्रशांत, बुशरा, तनु। के पी मतलब कमला पसंद नहीं, के पी प्रभंग कुछ और होगी, मुझे पता नहीं के पी या प्रभंग क्या है, बट के पी अश्विनी हो जाएंगे, ठीक है। कानपुर आएंगे कभी, कानपुर में चलता है के पी, चलता है प्रशांत, प्रशांत को पता होगा कि भैया दो के पी देना, तीन के पी देना, 10 के 3 मिलते हैं के पी, ठीक है।
प्रशांत को पता होगा, प्रशांत कानपुर का है ना, कानपुर में बहुत चलता है, इधर हम लोगों साइड चलता है, खेप ही देना भैया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा देखते हैं, इसका देखते हैं, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ द फेम पर जगह पाने वाली पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो हुज बिकम द फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट टू बी इंडक्टेड इन टू द यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ द फेम। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ द फेम पे हो जाएंगे कौन बेटा? रामधर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? रामधर सिंह हो जाएंगे, राइट? रामधर सिंह, क्लियर, वेरी गुड। इसके अलावा हाल ही में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले हमारे जो पहले भारतीय बन गए हैं, उनका नाम हो जाएगा नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी हो गए हैं, वेरी गुड। इसके अलावा देखते हैं कि आपका मुलक मेडल पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अजिंक्य रहाणे जी जो बने हैं पहले फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू गेट द मुलक मेडल। तो मुलक मेडल पाने वाले कौन हो जाएंगे? अजिंक्य रहाणे हो जाएंगे, पहला अवार्ड मिला इनको, राइट? पहले भारतीय हो जाएंगे अजिंक्य रहाणे। इसके अलावा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि याद रखना वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने 4 मेडल जीते हैं, फर्स्ट इंडियन प्लेयर वो विन द 4 मेडल्स इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। अब हो जाएगा कौन बेटा? बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया से राइट आंसर, राइट? सुरेश को डॉक्टरेट डिग्री मिल गई, हाँ जी मीनल जी मिल गई है। चलो इसके अलावा देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है कब बेटा? 24 अक्टूबर को, वेरी गुड। सो 24 अक्टूबर को हो जाएगा। यूनो का हेडक्वार्टर बता दीजिए, यूनो का हेडक्वार्टर बता दीजिए एक बार, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुआ था ये भी बता दीजिए। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, वेरी गुड। तो यूनो का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क, तो शांत एंड विजय ने सही बोला, न्यूयॉर्क हो जाएगा। कौन सी ईयर में इसको बनाया गया था ये भी बता दीजिए। 1945, वेरी गुड प्रशांत एंड विजय, 1945, 1945, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखो कौन सा जुड़े हुए क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ से बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की उद्घाटना मतलब उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस चलाई गई किसके ऊपर? बाजरा के ऊपर, कि जो आपका बाजरा जो है बाजरा अच्छे से उगाया जा सके, तो जाकर न्यू दिल्ली हो जाएगा, राइट? न्यू दिल्ली। कहाँ पर भारत का पहला ई वेस्ट पार्क बनाया गया है? पहला ई वेस्ट पार्क, फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बनाया गया है किस जगह पर? तो जाएगा बेटा आपका कौन सा? न्यू दिल्ली हो जाएगा, ये भी न्यू दिल्ली हो जाएगा। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने आपका किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 28 फुट ऊंची प्रतिमा जो बनाई गई है वहां बनाई गई है वो नई दिल्ली में, किस जगह पर? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक। इसके अलावा शहर ने 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करने की घोषणा की है। सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल 2023 में होने वाला कहाँ पर? होने वाला न्यू दिल्ली में, राइट? न्यू दिल्ली, ठीक। इसके अलावा भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर हैज़ द फोर्थ सिनर्जी कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट हेल्ड इज द न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो इतने सारे सवाल हो जाएंगे बेटा, वो न्यू दिल्ली हो जाएगा, राइट? चिराग चुदासामा गुजरात में बाजरा कहते हैं, बाकुड़ा कहते हैं सर, मराठी में उसको बाकुड़ी बोलते हैं, बाकुड़ी, बाकुड़ी बोलते हैं क्या? बताइए मराठी लोग जितने महाराष्ट्र के, बोलिए जरा। तो सर इसको बांकुरी बोलते हैं, बांकुरी, हाँ बांकुरी बोलते हैं, बांकुरी की रोटी बोलते हैं, बाजरा नहीं बोलते, बांकुरी बोलते हैं, ठीक है। मैं गया था एक बार उस पे, एक होटल में बांकुरी लिखा हुआ था, बाजरा ही बोलते हैं। फिर बांकुरी क्या होती है? बांकुरी, बांकुरी कुछ होती है, बांकुरी बताइए, किसी को आइडिया है? वाली तो बांकुरी। चलिए तो जितने भी न्यू दिल्ली जुड़े सवाल थे मैंने सारे बता दिए आप लोगों को। एंड इसके अलावा देखते हैं, अच्छा भाकर,
किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इन विच सिटी द आकाश फॉर द लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड? गैंगटॉक, गुवाहाटी, देहरादून या जयपुर? गैंगकोट, गुवाहाटी, देहरादून या फिर जयपुर? क्या हो जाएगा जरा बताएं? देहरादून। वेरी गुड आंसर हो जाएगा यहाँ से, कौन सा? देहरादून। तो आकाश फॉर द लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन द कहाँ पर? देहरादून। तो देहरादून इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, मोदी जी ने किया, देख रहे मोदी जी की फोटो हर जगह मिलेगी भाई। ठीक है, 3 दिन की सबमिट थी, आकाश फॉर द लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन की थी। वेरी गुड। अब देखो कुछ जुड़े सवाल देख लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल हो जाएगा वो, जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में बनाया गया है। वेरी गुड, अच्छी बात है। इसके अलावा किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया कहाँ पर बेटा? नागपुर, संतरों का शहर, नागपुर। तो यहाँ पर जाएगा बेटा ये नागपुर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग श्वेता जी, गुड मॉर्निंग, ये नागपुर हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है? जरा बताएं। इन विच सिटी द 23rd सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हैज बिन ऑर्गेनाइज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द अमित शाह? बताइए, प्रशांत, पुनीत, चिराग, मीनल, काजल, विजय, गरिमा, बुशरा, सीता, तनु, अंजलि। अंजलि। तो वहां पर आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा? ये हो जाएगा भोपाल हो जाएगा। राइट, तो भोपाल याद रखिएगा। 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन किया गया है, जूही, गरिमा, प्रशांत। चलो आगे बढ़ेंगे। किस शहर में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल केयर कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया है? इन विच सिटी एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कोर कॉन्क्लेव 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज? तो जाएगा बेटा कोयम्बटूर। ये हरमोसा क्या है? सही बात प्रशांत, मैंने भी देखा पहली बार, व्हाट इज द हरमोसा? मैंने बहुत सोचा लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया कि व्हाट इज द हरमोसा। हो सकता है हर मौसम में एक जैसे रहें इसलिए हरमोसा लिखा हुआ है, हर मौसा लिखा इसी वजह से, हर मौसम में साथ रहेंगे, हर मौसम एक जैसे रहेंगे, हर मौसम में मतलब ऐसे बरसते रहेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, हर मौसा, ओके याद आया मुझे, हर मौसा, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, स्पेनिश वर्ड है हर मौसा। ठीक है, हर मौसा वर्ड यूज होता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक मूवी है उसमें वर्ड यूज होता है। हाँ देखा है मैंने, ठीक है याद आ गया मुझे, राइट करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। अब देखो स्टडी जे के क्वेश्चन की तरफ, स्टडी जे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर पूछा जाए लोगों से प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो फर्स्ट परमवीर चक्र विनर, फर्स्ट परमवीर चक्र विनर हो जाएंगे कौन से बेटा आपके? मेजर सोमनाथ शर्मा। हरमोसा, मुझे लगा समोसा, समोसा है, सुबह सुबह समोसा का नाम याद आ गया। चलिए तो मेजर सोमनाथ शर्मा, यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएंगे यहाँ पे आंसर। ठीक है, फर्स्ट परमवीर चक्र विनर। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। दो नाम याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो कि पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला थी, वो बनी सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? वॉज द कैप्टन ऑफ द 1983 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन क्रिकेट टीम? कपिल देव। ठीक है, कपिल देव हो जाएगा, राइट कपिल हो जाएंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने
बेटा पुनीत, प्रशांत एंड द मिनल। हो गया भाई, पढ़ाई भी ध्यान लगाओ। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। इन 250 मेंबर में 238 प्लस 12, ये 250 हो जाएंगे, राइट? वेरी गुड सीता मालिश्मी, इग्नोर करना ही अच्छा सोल्यूशन है। इसके अलावा नोबल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? नोबल प्राइज स्टार्टेड इन द ईयर 1901, बनने शुरू हुए थे 1901 में, ठीक। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण लिखी गई किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। अच्छा मुझे बात बताइए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि रामायण और महाभारत में कौन सा सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? और यह सवाल पता है पीसीएस में पूछा जा चुका है, डिटो यही सवाल पीसीएस में आया था कि विच इज द ओल्डेस्ट आपका ग्रंथ हो जाएगा, रामायण महाभारत, या उसमें दोनों ऑप्शन और थे, जरा बताएं। महाभारत। अच्छा तो बहुत सारे लोगों के महाभारत आ रहे हैं, रामायण आ रहे हैं, राइट? तो महाभारत रामायण देखो, श्री राम जो हैं, राम राम पहले आते हैं, आई बात समझ में? श्री राम पहले थे, कृष्ण जी के आए बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी रामायण है ना, ये रामायण हमारी सबसे पहले की है, रामायण पहले लिखी गई है, राम जी के बाद कृष्ण जी आए। एकदम से प्रशांत जी सही कह रहे हैं, राम जी के बाद कृष्ण जी आए, पहले राम जी आए, फिर उसके बाद कौन आते हैं? कृष्ण जी आते हैं, क्लियर? हाँ जी। त्रेता युग में रामायण है, और द्वापर युग में कौन सी है? द्वापर युग में कौन सी है? हमारी महाभारत है, ठीक। तो ये सवाल भी आपके पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि पूछ देता हूँ। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ टाइम आ गया आप लोगों का, तो आर यू गाइज रेडी? हाँ, द्वापर द्वापर युग हो जाएगा। बताओ आगे बढ़ा जाए। चलो भाई देखते हैं कितने लोग लगाते हो, 30 सवाल लाएंगे और स्पीड में करेंगे हम लोग, देखते हैं मुझे कौन आंसर देता है। हु हैज बीन डिजाइंड एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ द आदित्य L1 मिशन ऑफ द इसरो? इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पार्थ सतपथी, शंकर सुब्रमण्यम के, विजय जसूजा, या फिर हो जाएंगे हमारे बंडारू बिल्सन बाबू। तो आंसर हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा यहां पर? शंकर सुब्रमण्यम के। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में कौन से देश एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुआ है? इन अक्टूबर 2022 विच कंट्रीज हैव एग्री टू शेयर सेंसिटिव इंटेलिजेंस एंड द डिफेंस डिफेंस कॉपरेशन साइनिंग अ सिक्योरिटी पैक्ट? तो ऑस्ट्रेलिया एंड द जापान, जापान एंड द इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द रूस एंड दक्षिण कोरिया। तो हम बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग जापान एंड द इंडोनेशिया दे रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जापान दे रहे हैं। तो जिन बच्चों का भी आंसर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंड द जापान हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अगला क्वेश्चन खत्म ही हो गया, छोड़ ऐसे देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से किसने मुख्यालय MC वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 जीता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वन द एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 हेल्ड एट द हेडक्वार्टर MC वायुसेना नगर नागपुर? तो जाएगा बेटा कौन सा जाएगा से? वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ISSF विश्व चैंपियनशिप में किसने 21 अक्टूबर 2022 को कायरा मिस्र में जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है? चलिए 21 अक्टूबर 2022 को जीता है यहां पर इजिप्ट में, तो जाएंगे बेटा कौन का नाम हो जाएगा हमारा? सागर डांगी, सागर डांगी। आगे देखते हैं, इन अक्टूबर 2022 द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF हैज रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 ईयर्स? अक्टूबर 2022 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने किस देश के 4 साल बाद अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है? ओमान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड द इंडोनेशिया? तो वो जाएगा कौन बेटा आपका? पाकिस्तान हो जाएगा, राइट? वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, रोजगार मेले के जुड़ा हुआ सवाल है,
कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं, 22 अक्टूबर 2022 को 5 लाख कर्मियों के लिए एक मेगा भर्ती अभियान रोजगार मेला शुरू करेंगे। अच्छा, इस अवसर पर केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए नियुक्त पत्र पर पहली किस्त में 50,000 नवनियुक्त को सौंपा जाएगा। ओके, उन्होंने बताया कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत बढ़िया, देखते हैं आप मुझे कौन कौन देता है। चार दिया केवल एक, तीन दिया चार ने आंसर, ओनली थ्री। अच्छा, शिवानी ने आंसर दिया ऑल 1 2 3, वेरी गुड। तो शिवानी का आंसर ठीक हो जाएगा, ऑल 1 2 3 इज द करेक्ट। शिवानी का सही हो जाएगा, ऑल 1 2 3 इज द करेक्ट। गरिमा ने ऑल दिया है, शिवानी ने ऑल दिया है, और देखो अगर आपको याद हो मैंने एक सेशन लिया था, जब कौन सी तारीख को लिया था, जब दिवाली वाले दिन के एक दिन पहले, यानी कि 21 तारीख को जब मैं आ रहा था, उसने पहले 21 तारीख को मैंने सेशन लिया था, उसने बताया था आप लोगों को कि जो मेगा भर्ती अभियान चल रहा है, ये 5 लाख नहीं लगभग 10 लाख भर्ती के लिए चलाया जा रहा है। तो जो 10 लाख भर्ती की जाएंगी यहाँ पर, पहली बात तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, पहली बात, ये जो आपको 50,000 है ना, 50,000 नहीं, 75,000 लोगों को, 75K लोगों को क्या करेंगे, ये अपॉइंटमेंट लेटर देंगे 75K लोगों को, राइट। तीसरा वाला सही हो जाएगा, ये सही है, केवल 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच डे सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे, किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 22 25 23। अभी बताया मैंने आप लोगों को कितने अक्टूबर हो जाएगा, ये 24 अक्टूबर हो जाएगा, यूएनओ हेडक्वार्टर इन मुंबई, राइट। आगे बढ़ेंगे, अच्छा यूएनओ हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, मुंबई बता रहा हूँ मैं, न्यूयॉर्क। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है, कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए, 7वां राष्ट्रीय दिवस 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, 2022 की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। अच्छा, फिर आयुष मंत्रालय हर साल आयुर्वेद दिवस मनाता है, या उपरोक्त सभी में से क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, एनी वन, तो ऑल ऑफ द अबव। चलिए, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो आयुर्वेद दिवस मनाया गया था बेटा कब, 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, एंड आयुष मंत्रालय हर साल आयुर्वेद दिवस मनाता है। जो आयुष मतलब आयुर्वेदा यूनानी ये सब किस में आता है, आयुष मंत्रालय के अंदर में आता है, तो आयुर्वेदा भी किसके अंडर में आएगा, आयुष मंत्रालय के अंडर में आएगा, राइट। आगे बढ़ेंगे बेटा, सर्च कर लेना गूगल पे चिराग जुदा सामाजिक। ठीक, आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF हैज एडेड विच टू द लिस्ट ऑफ द हाई रिस्क कंट्रीज ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक लिस्ट इन अक्टूबर 2022। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने FATF ने किसको उच्च जोखिम वाले देशों की सूची जिन्हें ब्लैक लिस्ट के रूप में जाना जाता है में शामिल किया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, टर्की। तो वो कोई और नहीं हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार को उन्होंने क्या किया है, ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अक्टूबर 2022 में किस फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है, तो विच फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स इन द अक्टूबर 2022। तो मैक्स वर्स्टापन, सर्जियो पेरिस, चार्ल्स लेक्लर एंड द जॉर्ज रेसल, क्या होगा। तो मैक्स वर्स्टापन चुपचाप लगा दो, उन्होंने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं इस बार। आगे, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए, तो वो बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप। अमन सहरावत, साजन भानबाला, या साक्षी मलिक, या फिर हरिंदर सिंह, इनमें से क्या होगा जरा बताएं। हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अमन शेरावत हो जाएंगे, राइट। अमन शेरावत इज द राइट आंसर। पीटी रिजल्ट कब तक आएगा बेटा, आ जाएगा, थोड़ा एक आध महीना रुकिए, 1 महीने के अंदर ही आ जाएगा पीटी रिजल्ट सीता महालक्ष्मी जी। आगे बढ़ेंगे, द इंडियन यूएस मिलिट्रीज कैरीड आउट अ 3 डेज वाइड ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज विच इन विशाखापट्टनम। भारतीय और अमेरिकी सेनाओं ने विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास क्या किया यहाँ पर, अजय वॉरियर,
मित्र शक्ति, टाइगर ट्रम्प या फिर हैंड इन हैंड, किसका क्या किया जाए बताइए। तो आंसर होगा बेटा यहाँ से टाइगर ट्रम्प। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, यूएस और इंडिया के बीच में हुआ टाइगर ट्रम्प, राइट। आगे बढ़ेंगे, एक आइकॉनिक फिल्म है, इसका नाम हो जाएगा पैंथर पंचाली, राइट, पथेर पंचाली सॉरी। तो पथेर पंचाली हैज बिन डिक्लेयर्ड द वेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ द ऑल टाइम बाय द फिप्रेक्स की, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म क्रिटिक्स, हुज द राइटर ऑफ द फिल्म। तो पथेर पंचाली, इसके जो डायरेक्टर हो जाएंगे उनका नाम है कौन, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वो अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू बिकम ब्रिटेन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उनका नाम हो जाएगा ऋषि सुनक जी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, टाटा स्टील की उद्यक्ष शाखा ने 24 अक्टूबर 2022 को दोनों कंपनियों द्वारा किए गए प्रारंभिक समझौते के तहत किसके बाद यूरोप में ग्रीन स्टील के साथ फोर संयंत्रों की आपूर्ति करने की योजना बनाई है। द स्टील्स डच आर्म प्लान्स टू सप्लाई फोर प्लांट्स इन यूरोप विद द ग्रीन स्टील आफ्टर अंडर अ प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट रीच्ड बाय द टू कंपनीज ऑन द 24 अक्टूबर 2022, 25, 27, 30 एंड 32। आंसर का बेटा का खत के तहत 2030 के तहत, राइट, 2030 के बाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा कंपनी जैक्सन ग्रुप ने 22,400 करोड़ रुपए के निवेश पर राज्य में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य के लिए आर्थिक समझौता करने पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ग्रीन ग्रीन अमोनिया एंड द ग्रीन हाइड्रोजन, इसके लिए प्लांट जो बनाया जाएगा वो कहाँ पर बेटा, तो नाम हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, अब यहाँ सवाल आता है कि 22 अक्टूबर 2022 को मिस्र के काहिरा में चल रही ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा स्थान किसने जीता है। तो हो जाएंगे सागर डांगी, DP मनु, रोहन बोपन्ना एंड द स्वप्निल घोषाले। आंसर कैसे बेटा कौन, स्वप्निल घोषाले इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको छोड़ देते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, इन चेस टीम्स हाउ मेनी टॉप चेस प्लेइंग नेशंस हैव बीन इंक्लूडेड इन द लाइनअप फॉर द 2022 मेंस वर्ल्ड ट्रीप चेस चैंपियनशिप इन द जेरूशलम इसराइल इन द नवंबर 2022। तो शतरंज में कितने शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों को, टीमों को नवंबर 2022 में एरूशलेम इसराइल में 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए लाइनअप में शामिल किया गया है, 10, 12, 14, 16। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा बेटा आपका, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रदेश चक्रवात सीतांग पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप से करीब 230 किलोमीटर दूर था और बांग्लादेश के तट से टकराया, इसका नाम हो जाएगा सीतांग चक्रवात, या इसका नाम इंडोनेशिया ने रखा है। यह चक्रवात ने पहले ही बंगाल के कई तटीय क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया और असम में भी भारी बारिश हुई। तो अभी सीतांग आया था, सीतांग याद रखिएगा कि पहला चीज तो ये है कि इसका जो 24 परगना जिले के सागर द्वीप से करीब 230 किलोमीटर दूर जो था वहां पर बना, इससे पहले बंगाल के तटीय क्षेत्रों को अपनी चपेट में लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, असम में घूम गया, भारी वर्षा वहां पर इसने की है। ठीक है, अब सवाल ये आता है इसका नाम किसने रखा है, अगर इसका नाम इंडोनेशिया ने रखा है तो ओनली बंतरी लगाने वालों, आपके जो हैं सीता महालक्ष्मी, पाखी, प्रशांत, तो सेकंड पे कौन है, थाईलैंड, वेरी गुड, थाईलैंड थाईलैंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलो थाईलैंड 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 रखा है, वेरी गुड, थाईलैंड रखा है इसका नाम, इंडोनेशिया ने रखा है, थाईलैंड ने रखा है, वेरी गुड, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने अक्टूबर 2022 में किस देश में, अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मैच के उद्घाटन सत्र में क्या लिया भाग लिया है। तो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स बी मुरलीधरन पार्टिसिपेटेड इन द ओपनिंग मिशन ऑफ द डाकर इंटरनेशनल फोरम ऑन द पीस एंड द सिक्योरिटी इन द अफ्रीका 2022।
आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सेनेगल हो जाएगा, माली हो जाएगा, जाम्बिया हो जाएगा, फिर सोमालिया हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा बेटा आपका, सेनेगल, राइट, सेनेगल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को हम लोग विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है? तो देखिए ये सवाल ना बहुत, अगर आप बैंक वगैरह तैयारी कर रहे हो, कभी किस्मत आपकी बुरी हुई तो थीम वाले सवाल पूछ दिए जाएंगे, वरना इतनी बैंकों की थीम में वगैरह कौन याद रखता है, इतने डेज होते हैं, वो डेज नहीं याद होते, थीम कैसे याद रहेंगी। तो ये तो थोड़ा सा तुक्के का भी खेल होता है, और अगर मान लीजिए कि मतलब बहुत ही कोई मतलब बुरी किस्मत है तभी आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा कि थीम पूछ देंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से बेटा, अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर द मदर्स एंड द चिल्ड्रन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2022 में किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें EGR लॉन्च किया है? तो विच स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद ऑन इट्स प्लेटफॉर्म ऑन अक्टूबर 2022? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज, या फिर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बताएं। तो से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, BSE, BSE, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ब्लाइंड बच्चों के लिए आपका जो वर्ल्ड कप हो रहा है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत में, यानी कि इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा का मेजबान बनेगा, या 91st इंटरपोल की मेजबानी करने वाला हो जाएगा बेटा? कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। निम्नलिखित में से किस नियामक प्राधिकरण ने प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों के लिए गूगल पर 936 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है? तो गूगल पर 936 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लग गया है, और लगाने वाला है कौन सा बेटा? कम्पिटिटिव कंपटीशन कमीशन ऑफ द इंडिया, CCI। मैं बताया था आप लोगों को कल शायद, चलिए आपका हो जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ द इंडिया, CCI। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में अमेरिकी मुद्दा पर प्रदर्शित होने वाला पहला एशियाई अमेरिकी बन गया है? तो अमेरिकी मुद्दे पर प्रदर्शित होने वाला पहला एशियाई अमेरिकी बन गया है बेटा, कब? उसका नाम हो जाएगा अन्ना में वोंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वो इज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन, आखिरी क्वेश्चन आज का। वो इज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ द इंडिया, CCI, इन द अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता वर्मा, अशोक कुमार गुप्ता, ओम प्रकाश सिंह एंड सतीश चौधरी। आंसर कौन सा बेटा, कौन सा? आपका संगीता वर्मा हो जाएगा, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के, बाकी हो ही गए सारे क्वेश्चंस, कुछ नहीं बचा हुआ। बाकी आपकी चल रही सफलता सेल, इस सफलता सेल पर जाइए आप लोग एक बार ही, और उसको एक बार स्क्रॉल करिए, राइट, देखिए एक बार, क्योंकि पुलिस के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए सुपर कोचिंग लॉन्च हुआ मात्र 504 में, राइट। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 6 मंथ का 6 महीने का, 55+ 30% ऑफ मिलेगा आपको, यहाँ पर कोड लगाना है मेरा आपको यहाँ पर, ABS, यानी कि कोई भी कोड आप खरीदते हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, PPSS, PSS, कुछ भी, अगर कोड लगाओगे APS या APS 20 तो आपको डिस्काउंट वहाँ पर दिख जाएगा कितना मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। PDF दे दीजिएगा, PDF मैं अभी अपलोड मार दूंगा पुनीत, ठीक है दोस्त, नहीं चिराग, अभी थोड़ी देर मार दूंगा, राइट। PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है ABS स्पेस सर स्पेस ठीक है, क्लियर, कोई डाउट है अंदर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई भी अगर क्वेरी है बता दीजिए मुझे जल्दी से। नमस्कार, RS नर्सिंग करियर पॉइंट गोरखपुर। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल 7 बजे, तब तक के लिए
टाटा, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, 4 दिन मजे कर लीजिए, मंडे से हम लोग एकदम से बढ़िया क्लासेस शुरू करेंगे रात वाली भी, तब तक के लिए हाँ ठीक है, चलो यार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।